नंबर 466 दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज सेल्स टैक्स एक्ट 1990, यार बातें ना करो ना। इट एक्सटेंड्स टू थर्ड रो फोर्थ रो हाइब्रिड, दरवाजे के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, अभी भी बोली जा रहे हैं। इट एक्सटेंड्स टू, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही इस कमरे में। मैं भी कहूँ थोड़ा थोड़ा बातें की जा रही हैं, आवाज नहीं आ रही थी, इससे बातें कर रहे हैं जी। स्विंग कर लगवा दें, तो नीचे नीचे फुल कर दो ना, नीचे ही कर दो, जरा थोड़ी देर कूलिंग हो जाएगी, 4-5 मिनट में नीचे कर दो। जी भाई अब आवाज आ रही है, होगी बात आने लगी। इधर पॉज कर दो ना, उधर आवाज नहीं आ रही। ओके आवाज आने लगी है। अच्छा जी, सेल्स टैक्स पे नंबर 466, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ तुर्कमानिस्तान, ये सारे तुर्कमानिस्तान पे लॉ लगेगा। और तुर्कमानिस्तान में कौन कौन से इलाके आते हैं, सॉरी पाकिस्तान, द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज द फॉलोइंग, काट दें, टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज द फॉलोइंग, बलोची पाकिस्तानी है, पठान पाकिस्तानी है, पंजाबी पाकिस्तानी है, और सिंधड़ी जहाँ चौंसा ये भी पाकिस्तानी है, और इस्लामाबाद वाले फैसल मस्जिद वाले ये भी पाकिस्तानी है। तो आज हमने पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन की, कीपिंग इन व्यू द अबव डिस्कशन, पिछले 3 घंटे से जो हमारी डिस्कशन चल रही है उसके नतीजे में इस कानून को हम पूरे पाकिस्तान पर लगाएंगे। सेल्स टैक्स इज एप्लीकेबल टू पूरा पाकिस्तान। अच्छा जी, सेल्स टैक्स का लॉ जो है इसका मैकेनिज्म इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे, कल की क्लास में पहला न्यूमेरिकल करेंगे सेल्स टैक्स का। सेल्स टैक्स आपने हर महीने देना होता है, हर साल नहीं देना होता, हर महीने देना होता है, तो इसलिए टैक्स पीरियड लफ्स है, टैक्स ये लफ्स नहीं है यहाँ पे। टैक्स पीरियड क्या कराने, इसी को कुछ करवाने बता। अच्छा, टैक्स पीरियड, टैक्स पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, तो सेल्स टैक्स हर महीने दिया करेंगे, और सच अदर पीरियड स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, या और कोई भी पीरियड जो बोर्ड बता दे, एक महीना भी हो सकता है, एक महीने से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बोर्ड बताया करेगा, ये बात ब्रैकेट में लेने जगह जगह लिखी हुआ करेगी। अब बोर्ड बताएगा विद अप्रूवल ऑफ पाकिस्तान का जो फेडरल मिनिस्टर है उसकी अप्रूवल से। तो जनरल रूल क्या है, टैक्स आप कब दिया करेंगे, हर महीने। टैक्स कब दिया करेंगे, हर महीने, लेकिन अगर बोर्ड कहते तो हो सकता है आपको 2 महीने का टैक्स देना पड़े, हो सकता है 15 दिन का टैक्स देना पड़े, सच अदर पीरियड का मतलब है कोई और पीरियड भी बहुत बता सकते हैं। वैसे पीरियड कितने अरसे का होगा, ड्यू डेट, सेल्स टैक्स जमा कराना होता है जी अगले महीने की 15 तारीख तक। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न इज 15 ऑफ द अगला महीना, 15th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स मंथ। इसका मतलब बताएं, फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स मंथ का क्या मतलब है, अगर हमारा महीना एंड हो रहा है 15, अगर हमारा महीना एंड हो रहा है जून में, तो उसकी रिटर्न कब जमा कराएंगे, 15 जुलाई को, इसमें साल का तस्वीर नहीं है। अगर हमारा महीना एंड हो रहा है नवंबर को, तो उसकी रिटर्न कब जमा कराएंगे, 15 दिसंबर को। अगर मार्च में खत्म हो रहा है 15 अप्रैल, तो ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न इज 15 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स मंथ, टैक्स मंथ के बाद जो 15 आएगी, और अदर डेट स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, या बोर्ड कोई भी डेट बता दे, और अदर डेट स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, या बोर्ड और कोई डेट बता दे, 16 भी बता सकते हैं, 17 भी बता सकते हैं, बोर्ड की मर्जी। एंड डिफरेंट डेट्स मे बी स्पेसिफाइड फॉर फर्निशिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनेक्जर्स ऑफ रिटर्न, एनेक्जर के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, एनेक्जर्स होते हैं सपोर्टिंग्स। सेल्स टैक्स में जो पार्ट्स ऑफ एनेक्जर्स हैं वो है सेल एनेक्जर, परचेज एनेक्जर, इम्पोर्ट एनेक्जर, किया गाड़ी वाले, किया या क्या क्या किया, किया कार्स, ये लोग सेल क्या कर रहे हैं, कार। पाकिस्तान से क्या खरीद रहे होंगे, टायर, बाहर के मुल्क से शायद क्या मंगवा रहे हो, इंजन। तो लोग इंजन खरीदते हैं, टायर खरीदते हैं, और गाड़ी बनाते हैं, और हम लोग चीनी खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, आम खरीदते हैं, और मिल्कशेक बनाते हैं। भाई तुम्हारे इलाके में बारिश हो रहा था रे, बोलो भाई। नहीं यार, इतना ना पढ़ा करो कि सुबह लेट उठो, फोन कहता इतना पढ़ने को, चूहा किधर गया आज, कल आपने इसकी दुम बनानी है, आपको मैं 100 रुपये नाम दूंगा।
हो गया, इससे ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है, चूहा और उसकी दुम जी। और कुछ किसी ने कोई मशवरा देना हो? हाथी भी है, ऊंट इंशाल्लाह। कितने का आ रहे हैं पता चला लिया? ईद वाले दिन हमने लाना है इधर, अगर सारे बच्चे आते हैं तो। कितने का आ रहे हैं आजकल? 15 लाख का। तू 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 10 ऊंट लेने हैं तुमने 15 लाख का? आजकल आ ही नहीं रहे मार्केट में ऊंट। अच्छा, एंड डिफरेंट डेट्स में भी स्पेसिफाइड फॉर फर्निशिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनेक्सेस ऑफ रिटर्न। रिटर्न के डिफरेंट एनेक्सेस होंगे, उनकी डेट्स अलग अलग भी बताई जा सकती हैं। असूली तौर पे बस बता दें रिटर्न आपने कब जमा करवानी है। 15 तक बोलें, 15 तक। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का मतलब बोलें बनाना, बनाना नहीं वो तो फिर आप केला सोचेंगे, बोलें बनाना। मैन्युफैक्चर का मतलब है चीजें बनाना। ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच एन आर्टिकल अकेला और इन कॉम्बो विद अदर आर्टिकल्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आम अकेला अलॉन्ग विद अदर आर्टिकल्स चीनी एंड दूध इज ईदर कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंक्ट शेक। ऐसी अजीब चीज नजर आती है जो आप सोच भी नहीं सकते। सख्त सी कड़कड़ करती चीनी और लिक्विड सा दूध डाल के और नरम नरम सा मैंगो डाल के एक चीज ऐसी बाहर निकल आती है कि आप हैरान हो जाते हैं। अंदर जग के अंदर घुमाई हो रही होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो जग अपने अंदर ही अंदर ले रहा होता है। तो इट इज अ प्रोसेस, बोले इट इज अ इन विच अ मैंगो केला और इन कॉम्बो विद चीनी और दूध इज ईदर कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल। ये बिल्कुल किसमें बदल जाते हैं बोले? डिस्टिंक्ट आर्टिकल के अंदर बदल जाते हैं। कंट्रोल योर आईज इफ यू कांट कंट्रोल, फील करें। आगे चलते, बबलू मोटा हो गया इसी वजह से। और इट इज सो चेंज्ड ट्रांसफॉर्म्ड और रीशेप्ड दैट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज डिफरेंटली। या हमने इन चीजों को ऐसे बदला है कि उससे पहले हम खा रहे थे ये और आप इसको पी रहे हैं, यानी पहले आम खाने वाली चीज लगे थी और अब पीने वाली चीज लगे। दूसरे तरीका भी होता है लेकिन वो ऑब्वियसली हम डिस्कस नहीं करेंगे कि तीनों चीजें खा के खुद उछल लो, वो प्रोसेस नहीं है। तो इट इज सो चेंज्ड, सो ट्रांसफॉर्म्ड और सो रीशेप्ड दैट इट बिकम्स, थोड़ी देर पहले आपने उस आम को होल्ड किया हुआ था, बट इट इज सो चेंज्ड नाउ यू कांट होल्ड, यू कांट होल्ड, दैट इज नाउ मिल्क। इट इज सो चेंज्ड ट्रांसफॉर्म्ड और रीशेप्ड दैट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज डिफरेंटली एंड इंक्लूड्स एनी प्रोसेस विच इज इंसिडेंटल और एंशिलरी। इंसिडेंटल होता है जरूरी और एंशिलरी होता है सब्सिडरी, नॉन मेन काम। सब्सिडरी होता है मेन काम नहीं। मुझे बता दें मिल्क शेक बनाने के लिए आप एक सब्सिडरी काम कौन सा करेंगे? छोटा काम। सब्सिडरी होता है छोटा काम। आप एक छोटा काम कौन सा करेंगे जो जरूरी होगा? और या जग लेके नहीं, मैंगो काटना, मैंगो छीलना और मैंगो काटना। क्या मैंगो छीलना और मैंगो काटना क्या मिल्क शेक बनाने के लिए जरूरी है? और बोले जरूरी है या पूरा आम ही डाल देंगे और मिल्क शेक का जग छिलका भी उसी में, गुठली उसी में, जग गुड़ 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 रुक रहा थोड़ी देर बाद, क्या हो गया भाई यार नहीं कर सकता मैं, ये जीव चीज तुमने डाल दिया जग में। तो कौन कौन सा काम करना पड़ेगा? विच इज इनसी डेंटल और सब्सिडरी टू द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस? इट इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। डन। अच्छा जी, तो लेट्स डिस्कस दिस डेफिनेशन अगेन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टायर, लोहा, शीशा, दूसरी चीजों के साथ मिला के इनको ऐसे बदल दिया जाता है कि गाड़ी सामने आ जाती है, इनटू अ डिस्टिंक्ट आर्टिकल। वैसी चीज होती है जो हम सोच भी नहीं रहे होते, वो सामने आ जाती है। या फिर इसमें ऐसी चीजों को बदला जाता है, रीशेप किया जाता है कि उनका यूज बदल जाता है। पहले टायर को डंडे से घुमा रहे होते हैं, बाद में टायर चार लग जाते हैं, ऊपर गाड़ी बनती है तो खुद बैठ के जा रहे होते हैं, तो डंडे की जरूरत नहीं रहती। तो ये ऐसी जबरदस्त तरीके से चीज बदलती है। लेकिन इस गाड़ी के बनाने के लिए कोई ऐसा प्रोसेस आपको जरूर करना पड़ेगा गाड़ी बनाने से पहले, जो कि जरूरी भी होगा और सब्सिडरी भी होगा। मिसाल के तौर पर होता है गाड़ी बनाने से पहले आप एक पेंट मशीन खरीदें तो उसमें पार्ट्स को पेंट करें आप, फिर उसके बाद गाड़ी को बनाना शुरू करें। गाड़ी बनाना तो होता है चीजों को मिक्स असेंबल करना, लेकिन उससे पहले आपको टायर भी शायद बनाना पड़े, उससे पहले आपको शायद जो है वो पेंटिंग भी करनी, पेंट भी करना पड़े चीजों के ऊपर। तो ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग में जरूरी है। तो एक मेन जगह होती है जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, उससे पहले छोटी छोटी यूनिट्स होते हैं जहां मुख्तलिफ चीजों के ऊपर काम हो रहा होता है, तो वो काम भी सारा मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट ही बनेगा। प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी और इंग्रेविंग। ये इंग्रेविंग वगैरह तो लकड़ी के ऊपर जो लोग लिखते हैं उसको कहते हैं, लिथोग्राफी भी इसी टाइप की कोई चीज है। ये जी लिथोग्राफी है। चलें आगे। प्रोसेस एंड ऑपरेशन ऑफ, मतलब आपको तरीका बता दिया लिथोग्राफी का मतलब देखने का। प्रोसेस एंड ऑपरेशन ऑफ असेंबलिंग, असेंबल होते चीजों को असेंबल करना, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, डाइल्यूट लिक्विड डाल के चीज को डाइल्यूट कर दिया, बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकिंग और प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी अदर मैनर। तो आप जी जबानी से याद कर लें मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, बोलें इट इज अ प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल अकेला और इन कॉम्बो विद अदर आर्टिकल्स इज ईदर कन्वर्टेड इनटू अ न्यू आर्टिकल, इज ईदर कन्वर्टेड इनटू अ न्यू आर्टिकल, जिससे एक नया आर्टिकल बन जाता है, और इट इज सो चेंज्ड, सो ट्रांसफॉर्म्ड और सो री
कि उसका क्या बदल जाता है, उसका यूज डिफरेंट हो जाता है। पहले टायर डंडे से चलते हैं, बाद में टायर हम बिठा में बिठा के चला देते हैं। एंड इंक्लूड्स एनी प्रोसेस जो कि जरूरी था चीजें बनाने के लिए, उससे पहले का प्रोसेस। आ जाओ, तीन लफ्ज और याद करें जी, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी एंड इंग्रेविंग। आगे याद करें, असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग। या शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी कमजोर है, ऊपर क्यों देख रहे हैं, नजर नीचे रख के हाइब्रिड वाले जरा। प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, अब बुक पे देख रहे हैं बड़े तेज है, नजर नहीं है। प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, सॉरी वो असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग। हाँ, अगर ज्यादा मसला हुआ तो पेपर में 15 दफा इंग लिखाइएगा और उससे कहिएगा बाकी खुद लगा ले जरा साथ। इंग 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 और इंग। रिटेल प्राइस क्या लिखा हुआ है जी, रिटेल प्राइस। सही तरह नजर नहीं आ रही है। बॉटल है पानी वाली किसी के पास, लेके आए इधर। नहीं, ये वाली पानी वाली बोतल नहीं, दूसरी वाली पानी वाली बोतल। टिश्यू पेपर है किसी के पास, टिश्यू पेपर का पैकेट पड़ा हुआ। एक पेज निकालें, पेज 475, इस पे देखें प्राइस लिखी हुई है, पेज 475। ये एक शेड्यूल है, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड शेड्यूल, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड शेड्यूल। जी आ जाए, आज हाइब्रिड में लेटा बैठे, बिल्कुल शुक्रिया। प्राइस टैग तो नहीं लगा होता, ये आइसक्रीम के ऊपर वैसी कहीं प्राइस लिखी होती है, अल्लाह आपका भला करे। कहाँ नजर आ रही है, किस वाले में नजर आ रही है? ये वाला नहीं, इसमें प्राइस समय तो नहीं नजर आ रही। बहरहाल ये वाला अगर कभी आप खरीदे ना, तो इसके जो ऊपर लगा होता है उस पर जो ऐसे उतरने वाला बना होता है, तो उसके ऊपर अक्सर प्राइस लिखी होती है। कितने लोगों ने देखी है कभी जिंदगी में? अच्छा, ये जो प्राइस है ये क्या कह रहे हैं, मंगवा के दिखाएं। अच्छा, ये जो प्राइस है, आज आप लोग बता दें मुझे आप लोगों ने किस स्लॉट में आना है। वो क्या कहते हैं, 1.50 से लेके 3.20 वाले स्लॉट में आने, या 3.20 से लेके 4.50 वाले स्लॉट में आने? अच्छा ठीक है, ये दोनों स्लॉट्स आपके पास अवेलेबल हैं, दोनों अमेरिकन हम करेंगे, एक सैलरी का एक बिजनेस का। तो ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में चंद, इनके ऊपर मैन्युफैक्चरर ने प्राइस लिखी होती है। ये जो वॉल्स आइसक्रीम है, इसके ऊपर प्राइस दुकानदार लिखता है या मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रिंट हुई भी आती है? ये जो पाकिस्तान में 20 चीज़ें हैं हाइब्रिड में लेट आने पर, ये पाकिस्तान में जो 20 चीज़ें हैं, इन 20 चीज़ों के नाम हमने याद नहीं करने। जूसेस, टूथपेस्ट, परफ्यूम, टी, सिरप, टॉयलेट, मिल्की ड्रिंक्स, सीमेंट, सोल्ड, मिनरल वाटर, डिटर्जेंट, शेविंग क्रीम, आइसक्रीम, वाटर, शैम्पू, पाउडर ड्रिंक, स्पाइसी सोल्ट, शू पॉलिश, शू क्रीम। इनमें क्या कॉमन चीज़ है? शू पॉलिश, शू क्रीम और वो किधर है हमारी, आइसक्रीम, आइसक्रीम, शेविंग क्रीम। अच्छा, अदर हाउस होल्ड एंड स्पेसिफाइड आइटम्स, कोई ना कोई चीज़ें होंगी। ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में 20, इन 20 की ये खासियत है कि इन 20 चीज़ों के ऊपर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरर ने प्राइस प्रिंट की होती है। लेकिन इन 20 के अलावा अगर आप कोई सोचें, हीटर, गीजर, गाड़ी, वाइट बोर्ड, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इन चीज़ों के डब्बों पे प्राइस मैन्युफैक्चरर ने नहीं लिखी होती, इनके बिल बनता है। गाड़ी आप लेने चले जाएं, गाड़ी के ऊपर कभी प्राइस लिखी होगी? बोनट उतार के बंदा देख रहा हो यार, अंदर प्राइस क्या लिखी हुई है यार? नहीं, बिल बनेगा, बिल बनेगा। तो अब सेल्स टैक्स में चीज़ें होगी दो किस्म की, एक हो गई ये 20, इन 20 की खासियत बताएं, इनके ऊपर मैन्युफैक्चरर प्राइस प्रिंट करता है, ठीक है? और हम इंशाल्लाह चंद दिनों में पढ़ेंगे ये प्राइस मैन्युफैक्चरर लिजिबली प्रोमिनेंटली प्रिंट करता है, हर आर्टिकल के ऊपर, हर शू क्रीम के ऊपर, हर टूथपेस्ट के ऊपर अलग अलग ये प्राइस आपको लिखी हुई नजर आती है। तो ये इन चीज़ों की खासियत है जो पाकिस्तान में 20 है। हाँ, अगर हमने एक दो चीज़ें ढूंढी हैं उन पर हमें लिजिबली और प्रोमिनेंटली नहीं नजर आई, तो ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से फॉल्ट है, लॉ मेकर बनाने वाले ने कोई गलती नहीं की हुई। तो 20 चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी हैं जिन चीज़ों में क्या खासियत है कि इन पर प्राइस कौन लिखता है? मैन्युफैक्चरर। और दुकानदार फिर मजबूर होते हैं, बिल भी उतने का ही बना के देते हैं, लेकिन बिल की अभी मैं बात नहीं कर रहा। अगर इन चीजों का बिल आपको ना भी मिले तो आप परेशान नहीं होते, अब कहते हैं चीज पे प्राइस लिखी हुई है, मुझे तसल्ली इतने की दे दो। अब ये जो चीजों पे प्राइस लिखी होती है ना, इसको कहते हैं रिटेल प्राइस। मिसाल के तौर पर 100 रुपए की आइसक्रीम है, इस पर लगेगा सेल्स टैक्स 18 रुपए, मैं और आप कितने पैसे पे करेंगे? 118 रुपए। तो अब दुकानदार क्या अपनी जेब से सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं या हमसे लेकर गवर्नमेंट को जमा कराते हैं? इसलिए हमने पढ़ा था सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि दुकानदार डायरेक्टली अपनी पॉकेट से जमा नहीं कराता, बल्कि हमारी पॉकेट से लेके आगे गवर्नमेंट को जमा करवाता है। तो ये भी नोट करने की जरूरत नहीं, ये सारा मैं इधर दिखा रहा हूं। पेज 466 पे आ जाएं। वॉल्स आइसक्रीम, ये किस कौन सा आइटम है?
थर्ड शेड्यूल है कोई, उसका आइटम हैज शेयर्ड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट कह रहे हैं वॉल्स वालों ने बाहर के मुल्क से रॉ मटेरियल परचेज किया है। क्या किया जी? बाहर के मुल्क से रॉ मटेरियल परचेज किया, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे किया, बाहर से चीजें मंगवाते हैं कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, एक्साइज ड्यूटी को पे किया, लेबर लगाई है, और लगाने के बाद 160 रुपए की आइसक्रीम बन गई। 160 रुपए की आइसक्रीम में 40 रुपए का डाला प्रॉफिट, 40 रुपए का प्रॉफिट डालने के बाद रिटेल प्राइस क्या आ गई? 200 रुपए। इस 200 रुपए पे सेल्स टैक्स डाला 18%, तो जब 18% सेल्स टैक्स डाला तो फाइनल प्राइस क्या आ गई? 236। इसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस। इसे क्या कहते हैं? जो मैं और आप पे करते हैं, 236। भाई सेल्स टैक्स में बहुत सारी डिटेल है और नीम हकीम खतराए जान। तो सेल्स टैक्स अगर आपने पूरा पढ़ना है तो उसमें सीए फाइनल पे रहें, अगर सेल्स टैक्स किताबी हद तक पढ़ना है तो इधर रहें, और अगर आपने सेल्स टैक्स प्रैक्टिकली अप्लाई करना है और किस चीज़ पे मार्केट में क्या है तो उसमें बहुत बड़ी डिटेल है एफबीआर की वेबसाइट पर, वो आप जाकर आराम से हर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लें। तो हम सिर्फ एक किताबी नॉलेज लेंगे जिस हद तक आपको दिया जा रहा है। अच्छा जी, क्योंकि आप कल कला को जाएंगे, कुछ चीज़ों पे आपको 19% सेल्स टैक्स मिलेगा, कुछ पे 16% मिलेगा, फिर आप मुझे कहेंगे आपने 18% पाया था, मैंने फ्लांच खरीदी इस पे इतने परसेंट था। तो पहले ऐसा करते हैं जितना सिलेबस में उतना पढ़ लेते हैं, फिर जो मार्केट में हो रहा होगा वो सीए फाइनल के बाद जाके देख लेंगे, उसे कंपेटेबल कर लेंगे। अच्छा जी, शुक्रिया भाई सवाल पूछने का। अच्छा, रिटेल प्राइस की डेफिनेशन अब मैं बनाने लगा हूं, सारे जरा अटेंटिव हो जाएं। मुझे बताएं, मैं दुकान पर जब चीज़ लेने जाऊंगा तो मेरे सामने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे नहीं पता वॉल्स वालों ने कितने के रॉ मटेरियल खरीदा है, मुझे तो नहीं पता होंगी चीज़ें। कस्टमर की आंखों के सामने सिर्फ तीन प्राइसेज होंगी, कौन कौन सी? रिटेल प्राइस, सेल्स टैक्स और कंज्यूमर प्राइस। लेकिन कंज्यूमर प्राइस लॉ में लफ्ज डिफाइन नहीं हुआ हुआ, इसलिए कंज्यूमर प्राइस आपके समझने के लिए मैंने लफ्ज बोला है और इसलिए मैंने लिख के मिटा भी दिया। ये हमारी नजर में कोई इरेलेवेंट लफ्ज है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। बस मेरा सवाल है, व्हाट इज रिटेल प्राइस? तो रिटेल प्राइस की आपने डेफिनेशन सुननी है मेरे से। रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल बोले मीन्स अ प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर विच इंक्लूड ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। बस याद करें बार बार, रिटेल प्राइस इज अ प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर, इट इंक्लूड्स ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस बट एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। ये जी रिटेल प्राइस की डेफिनेशन। तो जो हम पैसे देते हैं दुकानदार को, याद रखिएगा, डेट इज टेक्निकली नॉट अ रिटेल प्राइस, वो टेक्निकली रिटेल प्राइस नहीं है। हम जो दुकानदार को पैसे देंगे वो तो कितने होंगे? 236। लेकिन रेट किस पे लगेगा? 200। डेफिनेशन तो आपको याद हो ही गई है, रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू मीन्स द प्राइस फिक्स बाय मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर इन केस ऑफ इंपोर्ट्स। या तो मैन्युफैक्चरर इसको फिक्स करता है, और अगर ये पाकिस्तान में ना बन रही हो तो इन प्राइसेस को कौन फिक्स करेगा? इंपोर्टर। इट इंक्लूड्स बोले 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 ऑल ड्यूटीज एंड बट डज नॉट इंक्लूड सेल्स टैक्स। और ये प्राइस कौन सी है? इट इज अ प्राइस एट विच, बीच में तो तमहीर बांध रहा था ना, इट इज अ प्राइस एट विच अ ब्रांड ऑफ एन आर्टिकल, एक होता है आर्टिकल, एक होते हैं उसके डिफरेंट ब्रांड्स आपने बना दिए होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई बड़ी पैकिंग में कोई छोटी पैकिंग में, डिफरेंट ब्रांडिंग्स की होती हैं आप लोगों ने। तो एक टूथपेस्ट आप लेने चले जाए तो वो टूथपेस्ट एक आर्टिकल है, उसके छोटे बड़े ब्रांड अलग अलग आपने बनाए होते हैं, कई तो उनके नाम भी अलग रखे होते हैं एक मैन्युफैक्चरर ने। जैसे आप चलें तो नेस्ले के अंदर देखें, अगर वो रायता ही है तो वो आपसे पूछेंगे भाई जी ये रायता तो आर्टिकल है, लेकिन आप पुदीने वाला पसंद करेंगे, जीरे वाला पसंद करेंगे, तो अलग अलग आर्टिकल्स बने होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स बने होते हैं। तो इट इज अ प्राइस बोले एट विच अ ब्रांड ऑफ एन आर्टिकल, ब्रांड ऑफ एन आर्टिकल एक होगा, उसका कोई भी ब्रांड हो सकता है, इट सोल्ड टू जनरल पब्लिक। ये किसको बेचा जाता है? जनरल पब्लिक को बेचा जाता है। तो अब रिटेल प्राइस की डेफिनेशन में चार पांच चीजें आपने याद रखनी है। पहली चीज, इट इज फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर, इट इंक्लूड्स ऑल ड्यूटीज एंड एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। अगली बात, इट इज अ प्राइस एट विच अ ब्रांड ऑफ एन आर्टिकल, और अगली शर्त, इज सोल्ड टू जनरल पब्लिक। ये हम लोगों को चीजें बेची जाती। अगर एक चीज लाहौर में 200 रुपए की बिक्री हो लाहौर में, और कराची में 210 रुपए की बिक्री हो, तो यह कहा जाएगा कि एज्यूम करो पूरे पाकिस्तान में 210 की बिकी है, क्योंकि लॉ मेकर डिस्करेज कर रहे हैं कि आप डिफरेंट शहरों में डिफरेंट प्राइसेस सेट करो। लेकिन अगर आप करते हुए पकड़े गए और लाहौर में आपने 200 की बेची, कराची में आपने 210 की बेची, तो एज्यूम किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में आपने कितने की बेची? 210 की बेची। बड़ी तरह इंग्लिश समझ आ रही है? वेयर मोर देन वन प्राइस इज फिक्स्ड फॉर सेम ब्रांड, हाईएस्ट प्राइस विल बी टेकन एज रिटेल प्राइस। तो लिखें, दो शहरों में मुख्तलिफ प्राइस पे चीज बिक रही है तो समझा जाएगा पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट प्राइस पे बिकी। अब आप अपनी जेब से ज्यादा सेल पे टैक्स देंगे, दो शहरों में मुख्तलिफ प्राइसेस पे चीज बिक रही है तो समझा जाएगा पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट प्राइस पे बिकी।
ओके जी, आगे चलें। बोर्ड में स्पेसिफाई एरियाज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ हाईएस्ट सेल प्राइस लिखें। बोर्ड बताएगा कि हमने किस इलाके में हाईएस्ट प्राइस पकड़ी है। बोर्ड बता देगा हमने किस इलाके में हाईएस्ट प्राइस पकड़ी है। जी भाई जान, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? कॉटेज इंडस्ट्री होती है भाई जान छोटी सी इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? छोटी सी इंडस्ट्री जो किसी घर के अंदर कोई बंदे कोई चीजें बना रहे हो, डेट इज कॉल्ड एज बोले कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी सी इंडस्ट्री। लन तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या है जिसमें चार चीजें पाई जाए? बोले क्या है जिसमें ये रेजिडेंशियल एरिया में बनी हो? बोले एक तो फैक्ट्रीज होती है ना, फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, ठोकर न्याज बेग से आगे रायवन रोड पे चले जाएं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी नजर आती है, ये वो नहीं है। ये छोटी सी इंडस्ट्री है, कॉटेज, छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री वो है जिसमें चार बातें पाई जाएं। ये घरों के अंदर ही कहीं बनी हो, रेजिडेंशियल एरिया में कहीं बनी हो, पहली बात हो गई। दूसरी बात, इसकी लेबर 10 से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर घरों के अंदर बनी हुई है और 15 मोटरसाइकिल बाहर खड़े होंगे लेबर के, तो घर लेबर के लिए मसला हो जाना है। इसकी लेबर 10 से ज्यादा ना हो। तीसरी बात, इसकी साल की सेल 1 करोड़ से कम हो या 1 करोड़ हो। इसकी साल की सेल 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, इसकी साल की सेल 1 करोड़ से ज्यादा ना हो। और इसको जो आपने बिजली का मीटर देना है वो इंडस्ट्रियल मीटर नहीं होगा। इंडस्ट्रियल मीटर्स मिलते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को, इसको बिजली का जो मीटर देना है वो इंडस्ट्रियल मीटर नहीं होगा। बस ओवर। छोटी सी इंडस्ट्री की चार शराइत बताएं। घरों के अंदर बनी हो कहीं, लेबर 10 से ज्यादा ना हो, सेल 1 करोड़ से, और ये कॉटेज इंडस्ट्री लव सिर्फ किसके लिए खास है? मैन्युफैक्चरर के लिए। ये कॉलेज वालों के लिए नहीं है, कॉलेज वाले तो सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। ये लव सिर्फ किसके लिए खास है? डायग्राम भी इसलिए आपको दिखाई दी। मीन्स अ मैन्युफैक्चरर व्हिच फुलफिल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। पहली कंडीशन, डज नॉट हैव इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, असल में ना रेजिडेंशियल कनेक्शन होता है, इंडस्ट्रियल नहीं होता। इंडस्ट्रियल कनेक्शन तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को मिलता है, कमर्शियल दुकानदारों को मिलता है। इज लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, डज नॉट हैव टोटल लेबर फोर्स मोर देन 10, और एनुअल सेल फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ सेल्स, सप्लाईज होती है सेल और सेल भी होती है, ये भी सेल ही होती है। एनुअल सेल फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ सेल डज नॉट एक्सीड, हर किस्म की सेल आपकी मिला लें तो सेल किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 10 मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ओपन मार्केट प्राइस, इट मींस द प्राइस इन मनी व्हिच दैट सप्लाई वुड जनरली फेच इन ओपन मार्केट। इट इज अ प्राइस इन मनी व्हिच दैट सप्लाई व्हिच दैट गुड्स वुड जनरली फेच इन एन ओपन मार्केट। रेड मार्कर है, आप लोगों ने साल में 600 रेड मार्कर बेचे। अब रेड मार्कर की ओपन मार्केट प्राइस क्या होगी? ओपन मार्केट प्राइस का मतलब फेयर वैल्यू लिख लें। रेड मार्कर की ओपन मार्केट प्राइस क्या होगी? इट इज अ प्राइस इन मनी विच डैट मार्कर वुड जनरली फेच इन, फेच का क्या मतलब होता है? रिसीव। तो वो जो मार्कर मार्केट में बिक के पैसे कमाएगा, डेट इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट प्राइस। अच्छा जी, कई दफा मसला होता है कि आपने 200 मार्कर बेचे और आपके पास मार्कर खत्म हो गए, मार्केट में ये वाला मार्कर मिल ही नहीं रहा, शॉर्ट हो गए। साल के एंड पे गवर्नमेंट वाले आए, गवर्नमेंट वालों ने कहा भाईजान आपने ये मार्कर बेचे थे सुने लाल वाले, इनकी फेयर वैल्यू हमने निकालनी है, तो जरा मार्कर एक निकाल के दो। आपने कहा हमारे पास तो पड़े नहीं हुआ, वो तो मरी मई के महीने में 200 मार्कर आए थे, फौरन बिक गए, तो हमारे पास तो ऐसा मार्कर है ही नहीं। तो गवर्नमेंट कहेगी फिर ऐसा करो, इससे मिलता जुलता मार्कर ले आओ। तो आप कहेंगे ये लो, क्या इसकी फेयर वैल्यू फिर बाजार में ले जाए? ये सिमिलर सप्लाई लग रही है, सिमिलर सप्लाई, ये भी लिखता है, ये भी लिखता है, सिमिलर सप्लाई है, सिमिलर सप्लाई, ये सिमिलर सप्लाई है, तो हो सकते ब्लैक मार्कर मार्केट में अवेलेबल हो। तो दिस इज कॉल्ड एज सिमिलर सप्लाई एंड दिस इज कॉल्ड एज डिसिमिलर सप्लाई। तो बता दें, अगर इस मार्केट की, इस मार्कर की प्राइस मार्केट में पता ना चल रही हो, तो किसकी प्राइस पता चलवा के गुजारा चलाया जा सकता है? सिमिलर सप्लाई। अब सिमिलर बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, ये शर्तें पढ़ें, फिर 3 से 4 मिनट में हमने एक न्यूमेरिकल करने आज जीओपी का, तीसरा चौथा न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, जीओपी का एक न्यूमेरिकल जरा शुरू करना है। ये शर्तें पढ़ लें, शर्तें जी चार हैं, करेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटी, कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। इसकी करेक्टरिस्टिक बताएं, असल में ये मार्कर मार्केट में शॉर्ट हुआ है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएं, लिखता है, और ये इसकी क्वांटिटी बताएं, और इसकी, इसमें कंपोनेंट और मटेरियल जो इस्तेमाल हुए हैं वही कंपोनेंट और मटेरियल, आप मुझे बताएं ये दोनों क्यों नहीं सिमिलर सप्लाई? क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक इसकी लिखता है और ये चलता है चूहा, और दूसरा ये एक है, ये भी एक है, लेकिन दूसरे मसले है ना। और कंपोनेंट्स एंड मटेरियल, इसके अंदर प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर पता नहीं क्या इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो बता दें सिमिलर सप्लाई होने के लिए क्या शर्त है? चार चीजें सिमिलर होनी चाहिए, क्या?
करेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटी, कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। तो सप्लाई को कौन सी सप्लाई कह दिया जाएगा? सिमिलर सप्लाई। सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट ऑफ गुड मींस। अच्छा, गुड्स कौन सी हैं? ये जरा आपने लिखना है पहले, रेड मार्कर। मींस एनी अदर सप्लाई, अदर सप्लाई से मुराद ब्लैक मार्कर। सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ रेड मार्कर मींस, ये लिखें रेड मार्कर ब्लैक मार्कर, लिखे 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 बबलू आप भी लिखें। सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स मींस रेड मार्कर, सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ रेड मार्कर मींस एनी ब्लैक मार्कर विच क्लोजली और सब्सटेंशियली रिजेंबल्स। क्लोजली 100%, सब्सटेंशियली 90%, ऐसे उसने लफ्ज़ यूज कर दिया क्लोजली और सब्सटेंशियली। क्लोजली का मतलब होता है बिल्कुल सेम है, और 90% का मतलब होता है तकरीबन सेम है। डन हो गया। जैसे छोटा सा बच्चा नहीं पैदा होता, अभी वो बेचारा आए होते दुनिया में, आंखें इसके दादा अबू पे गई हैं, कान इसके मेरे पे गए, अम्मी कहती हैं नाक अबू पे गया है, जो होंठ के नीचे वाला हिस्सा वो खाला पे गया है, बेटा कहते मैं मैं मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता चल जाते हैं, पता नहीं ऐसे साइंस होती है उससे पता चलाते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती क्या किस पे गया, हमें तो अलग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी लग रहा होता। अच्छा, सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ रेड मार्कर मींस ब्लैक मार्कर विच क्लोजली और सब्सटेंशियली रिजेंबल्स नंबर वन करेक्टरिस्टिक, क्वांटिटी, कंपोनेंट्स एंड मटेरियल ऑफ द अफोरमेंशन गुड्स। अफोरमेंशन गुड्स मतलब रेड मार्कर, ऑलरेडी मेंशन भी लिख सकते हैं, अफोरमेंशन अगर मुश्किल लगे, ऑलरेडी मेंशन गुड्स। सप्लाई चेन, इंपोर्टर चीजें इंपोर्ट करके किसको देता है? वो किसको देता है चीजें? होलसेलर या डीलर को। डीलर किसको चीजें बेचता है? कस्टमर को नहीं। और रिटेलर किसको चीजें बेचता है? कस्टमर। ये नहीं दोबारा कस्टमर इंपोर्टर को भेज दे, वो चीज ही घूमती रहे, कस्टमर इस्तेमाल कर लेता है। तो सप्लाई चेन बताएं क्या है? नंबर वन, इंपोर्टर चीजें बेचता है, मैन्युफैक्चरर किसे बेचता है? होलसेलर और डीलर को। होलसेलर किसे बेचता है? रिटेलर किसे बेचता है? मुझे बताएं होलसेलर और डीलर कौन होता है? बाकी तो आसान है, आपको समझ आ गया है। होलसेलर डीलर वो होते हैं जिनके बड़े बड़े गोदाम बने होते हैं, वो वहां पे बड़ा बड़ा सामान वहां स्टोर करते हैं, स्टोर हाउस होते हैं, लिख सकते हैं इनके स्टोर हाउस होते हैं। एसी का क्या करवाना है? टेम्परेचर चेंज करवाना है, सेकंड लास्ट रो हाइब्रिड, हाथ खड़ा करें जरा, फिर एसी को मत देखें बार बार अगर चेंज नहीं कराऊंगा। अच्छा, ये सारा प्रोसेस किसे क्या क्या कहते हैं? इसको सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मींस द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस, ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ये लोग बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, चीजें आपको पता खरीदते भी आगे बेचते भी हैं। फ्रॉम द स्टेज ऑफ फर्स्ट परचेज और इंपोर्ट, फर्स्ट परचेज कौन करता है? इंपोर्टर। टू द स्टेज ऑफ फाइनल सेल, फाइनल सेल किसको होती है? कस्टमर को। लिख लें फाइनल सेल टू कस्टमर। डिलेमा हमारा ये हुआ कि जो इन सारी चीज़ों को बनाने वाला अल्लाह है उनका तारुफ बस निकलता चला गया। मैन्युफैक्चरर समझ आते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, होलसेलर डीलर बड़े बड़े स्टोर हाउस नजर आते हैं, रिटेलर की दुकान पर चले जाएं बड़े बड़े एसी लगे हुए, बड़े सिस्टम नजर आते हैं, लेकिन सबके बैक एंड पे जहां से चीज़ें आ रही हैं उसका तारुफ उम्मत को नहीं रहा। आज नहीं, अगले सफे पे पॉइंट 17, उस दिन कोई बच्चा कहने लगा, 6th 7th क्लास का होगा, इतने दिन हो गए साइंस पढ़ते हुए, एक दिन भी हमारे टीचर ने अल्लाह का नाम नहीं लिया, यानी सब कुछ ही बता रहे हैं ये इससे होता है, ये इससे होता है, ये इससे होता है, कहीं अल्लाह का जिक्र ही नहीं किया। हालांकि कर देना चाहिए, असल में तो ये सारे अल्लाह ने चीज़ें बनाई। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, इसमें हमने बस ये लाइन पढ़नी है और फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ, फिर ओपी का न्यूमेरिकल करना है, हो जाएगा इंशाल्लाह 30-40 मिनट में। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? चीजें बनाने वाला, बोले बनाने वाला। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर मींस अ पर्सन इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वेदर एक्सक्लूसिवली और नॉट का मतलब उर्दू में बताएं। जो बंदा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है वो भी मैन्युफैक्चरर है, और जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई और चीज मिला लेता है वो भी मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? जो एक्सक्लूसिवली लफ्ज यूज कर रहा है। एक्सक्लूसिवली का मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, और नॉट का क्या मतलब है? हो सकता है एक्सक्लूसिवली ना कर रहा हो फिर भी मैन्युफैक्चरर होगा। होंडा वाले बताएं सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं? होंडा वाले सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, वो और नॉट की कैटेगरी में गिरेंगे। क्यों और नॉट की कैटेगरी में गिरेंगे? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियां हैं वो होंडा एटलस का कुछ बना के बेच रहे हैं और कुछ खरीद के बेच रहे हैं। क्या किसी को इस बात का नॉलेज है कि होंडा वाले कुछ गाड़ियां बना के बेच रहे हैं और कुछ गाड़ियां खरीद के बेच रहे हैं?
मिसाल के तौर पे होंडा वाले सिविक सिविक क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और होंडा एकॉर्ड, होंडा एकॉर्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बन रही, तो ये लिख लें। तो होंडा वाले सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या साथ मैन्युफैक्चरिंग के कुछ और भी मिला रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ और भी मिला रहे हैं क्या? इंपोर्ट एंड सेल। इसलिए पाकिस्तान में उनकी कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो नहीं बनती, बनी बनाई जाती हैं। अगली लाइन का मतलब बताएं, वेदर द रॉ मटेरियल इज ओन्ड बाय हिम और नॉट। अच्छा, जरूरी नहीं आप अपने रॉ मटेरियल पे काम करें तो मैन्युफैक्चरर बनेंगे, अगर आप दूसरे के रॉ मटेरियल पे काम करें तो भी आप मैन्युफैक्चरर हैं। मिसाल के तौर पे साथ वालों ने कहा भाईजान चीनी ले लो, दूध ले लो, मैंगो ले लो, आपने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा हमारे घर लाइट नहीं आ रही, मिल से बना के दे दो। यू आर स्टिल मैन्युफैक्चरर, क्योंकि आपने गुर्र तो किया ना, तो यू आर स्टिल मैन्यू। आप बताएं आपने अपने रॉ मटेरियल पे काम किया या हमसाए वालों के रॉ मटेरियल पे काम किया? तो जरूरी नहीं अपने रॉ मटेरियल पे काम करें, कभी दूसरों के रॉ मटेरियल पे भी जिंदगी में काम करना पड़ सकता है। तो इसकी मिसाल हम लिखते हैं, मैं आपको एक मिनट सब्र, किया गाड़ी वालों ने इमरान खान को टायर बनाने का रॉ मटेरियल दिया और फिर इमरान खान ने डंडे से घुमा के टायर उनको वापस भेज दिया। आप बताएं क्या इमरान खान ने अपने रॉ मटेरियल पे काम किया या किसी के रॉ मटेरियल पे? इमरान खान विल स्टिल बी कॉल्ड एज मैन्यू, क्योंकि गुर्र तो कर रहे ना वो, तो इसलिए इमरान खान मैन्युफैक्चरर होगा। लिखें, किया वालों ने रॉ मटेरियल देके इमरान खान से टायर बनवाया। बनीगाला में फैक्ट्री है एक अंदर, वो भी सामने नहीं आई। तो किया वालों ने रॉ मटेरियल देकर इमरान खान, वो बोला समझे थे, नहीं वो बोला इमरान खान नहीं, बनीगाला, बनीगाला में इमरान खान का समझे थे, कोई और बनीगाला है। अच्छा, तो किया वालों ने रॉ मटेरियल देकर इमरान खान से टायर बनवाए। आप बताएं इमरान खान ने अपने रॉ मटेरियल पर काम किया किसी और रॉ मटेरियल? आगे लिखें, इमरान खान स्टिल मैन्युफैक्चरर। भेजेगा कैसे किया वालों को? डंडा मार के सारे टायरों को लाइन में लगा लेगा, 300 टायरों को, पहले टायर को डंडा मारेगा, सारे टायर भाग जाएंगे उसके पीछे। भाई रेल पेल में सीएमए आए हैं या सोच समझ के आए हैं? रेल पे चल रही होती है ना, एक बंदा भाग पड़ा एकदम, पता नहीं क्या हुआ, क्या होगा क्या होगा, उसके पीछे दो बंदे और भी भाग रहे थे, क्या जी क्या हुआ हमें तो नहीं पता, पहला भाग रहा था, पता नहीं कुछ होने वाला है। तो कौन इस चक्कर में सीएमए आ गया? रेल पेल हो रही थी, चल भाई सीएमए जा रहे हैं, लो जी हाइब्रिड वाले भी आदगा कर रहे हैं यार। चलो आप आ गए ना रेल पेल में, आप इनके साथ ही रहिएगा फिर, ठीक है? कौन सा था चैप्टर? बा क्या पसंद करेंगे न्यूमेरिकल? पेज 263 पे आ जाए। भाई सात साल को आपने क्लास में, यार सर ने ना सीएसटेक शुरू करा दिया, अब वो जो ईद से पहले 2-3 दिन होने हैं ना, मुझे लगता है उसमें ना इन्होंने न्यूमेरिकल करा देने हैं कोई, तो मैं तो इंशाल्लाह अब सीट जो है ना वो बुध की शाम की ही कराऊंगा। हाँ यार मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, ये आप अकेले में जो बातें कर रहे होते हैं ना आपको बहुत फ्लाई करा देती हैं, आसमानों में ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो मैं रात को इंशाल्लाह ईद है ना वैसे पता चल जाएगा, तो बुध को इंशाल्लाह हम फ्री कर देंगे आपको। लिबास एंड कंपनी इज एन एओपी, क्या करना है आप? लिबास एंड कंपनी इज एन एओपी, घर में बल्ब भी हो जाते हैं। अच्छा, लिबास एंड कंपनी इज एन एओपी, लिबास एंड कंपनी एक एओपी है विद 3 पार्टनर्स, सबा बाजी, जुनेद बाजा और अकरम बाजा, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1:2, 1/4 किसका हिस्सा? सभा का। खुदा के लिए अगर अभी भी किसी को 1/4 पता नहीं चला ना, उसे छोड़े पड़े, आप लोग इधर आए। 1/4 सभा का, 1/4 जुनेद का और 2/4 अकरम का, असल में सबको जमा कर देते हैं तो 4 आते हैं। इस साल एओपी ने प्रॉफिट कमाया 85 लाख रुपया फ्रॉम इट्स, तेरी आंखों में चमक क्यों आई, पेड़ मारो, ये इनके पैसे हैं। दिस एक हदीस सुन लो, मोमिन की इज्जत किताबों में लिखा है इस्तगना है, इस्तगना होता है दूसरे के माल पे नजर ना जाए और दूसरे की चीज़ों और दूसरे की चमक दमक पे नजर ना जाए, जिसके अंदर ये चीज़ है तो अल्लाह की नज़र में वो बहुत इज्जत वाला है। ड्यूरिंग द ईयर एओपी अर्नड प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 85 लाख, एओपी ने 85 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाया फ्रॉम इट्स मेन बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है? मेन बिजनेस, फ्रॉम इट्स मेन बिजनेस, दैट इज ट्रेडिंग ऑफ गारमेंट्स। तो शुरू करें जी, प्रॉफिट कितना है? 85 लाख। वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस एओपी की, बताएं जी प्रॉफिट। दूसरे सफे से शुरू करें, तीसरे से चलेगा, वैसे डेढ़ सफे के बाद भी चलेगा, जहां से भी कर लिया खैर। बाकी जाहिर बात है सफा भी एक अल्लाह की तरफ से नेमत है, इसको जाया ना किया करें। 7th-8th क्लास में हमारे केमिस्ट्री के टीचर होते थे, वो जो डबल लाल लाइनें लगी होती ना सफे के ऊपर, उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा होता था, कहते थे सफा जाया ना करो, पेपर में लिखा बैठ जाएगा, पेपर में वो बुरा मनाएगा। वैसे अपने रजिस्टर पर बात कर रहा हूँ, आप लोग लिख लिया करें। तो
इन एडिशन एओपी इज इन्वॉल्व इन द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब उसने खुद ही बता दिया सिक्योरिटीज हैं, तो लिख लें सेक्शन 37 ए लगेगा। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं या पब्लिक के होंगे? पब्लिक के होंगे। अच्छा बताएं जी 85 लाख के अंदर कितनी कैपिटल गेन इनकम पड़ी है? 85 लाख कितनी कैपिटल गेन इनकम पड़ी है जिसे मैं निकालूं? तो आपको याद है एक क्लास में हमने वर्किंग वन में से डिविडेंड इनकम माइनस की थी। माइनस करने की वजह क्या थी? क्योंकि वो फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है। एक क्लास में हमने, दो क्लासों में हमने कैपिटल गेन इनकम माइनस की थी वर्किंग वन में से। क्यों माइनस की थी? रिक्लासीफाई करनी थी। पिछली क्लास में हमने इंटरेस्ट इनकम माइनस की थी क्योंकि वो किसी और हेड की इनकम है। मुझे बता दें मैं इधर कितनी कैपिटल गेन इनकम माइनस करूं? भाईजान इस प्रॉफिट में पड़ी नहीं हुई, वो माइनस करने की जरूरत ही नहीं। वजह, ड्यूरिंग द ईयर एओपी अर्न्ड प्रॉफिट फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल बिजनेस दैट इज ट्रेडिंग। इसमें और कुछ पढ़ा नहीं हुआ। जिसको नहीं क्लियर हुआ था उसके लिए आई कैप ने अगली लाइन लिखी, इसके अलावा। उर्दू में मतलब बताएं इसका, इन एडिशन का। इसका मतलब है ये ऐसा सवाल है मजे का कि 85 लाख में कोई और चीज पड़ी नहीं हुई, तो माइनस करके रिक्लासीफाई करें या माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? इन एडिशन के लफ्ज़ में ड्राइंग कर लें। इसके अलावा एओपी ने ये कमाया, ये कहीं प्रॉफिट में पड़ा तो नहीं हुआ कि माइनस करूं? नहीं पड़ा, नहीं हुआ। क्लोज करें जी। आई कैप भी हंस सके, लोड पुट हो रहा होगा, बड़ी मुश्किल से वर्कआउट किया इसने। वर्किंग टू खोलें जी। हेडिंग बताएं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, सिक्योरिटीज। कारोबार क्या है वैसे इनका? कपड़े बेचना, वो अलग है। इधर एक और काम, एडिशन यूपी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज की। पहली कंपनी बताएं जी, कितने शेयर खरीदे? 2 लाख। कितने के? 200 के। कितने शेयर बेचे? 2 लाख। कितने के? क्या आपको याद है इसे हम ए कहते हैं कंसिडरेशन, और इसे हम कॉस्ट कहते हैं। तो कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट करके इनका क्या निकालेंगे? गेन निकालेंगे। और किस नाम से? जॉक। नोट नंबर ए, शेयर बेचे हमारे साल 29 जून 22 को, बट सेल प्राइस फ्रॉम दीज शेयर वॉज क्रेडिटेड टू एओपी बैंक अकाउंट ऑन 2 जुलाई। शेयर बेचे 29 जून को, पैसे हमारे अकाउंट में अगले साल आए। क्या करें? इस नोट का इग्नोर कर दें या इस नोट के बेस पे कुछ करें? कैपिटल गेन के चैप्टर का ना पहला सफा पढ़िएगा जाके, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर शेयर बेचें इस साल और पैसे अगले साल आए। मैंने आपको पढ़ाया था, किसी को याद हो गेन किस साल इनकम में डालने? जिस साल बेचें। यहाँ एक रूल अकाउंटिंग यूज होगी। तो गेन 29 जून यानी हमारे साल में बुक करें या अगले साल में गेन बुक करें? हमारे साल में। तो अगर बेचे इस साल, पैसे आए अगले साल, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, गेन किस साल बुक करें? हमारे साल। तो इसको क्रॉस कर दें, इस लाइन का कोई इंपैक्ट नहीं। चले, गेन निकालना किसी को आता है? याद है कैसे निकालते थे? कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। जॉक, कितने बेचे? 2 लाख, छोटी ब्रैकेट, कंसिडरेशन बोले, मैं देख लेता हूं ऑनलाइन वाले, देखो आप लोग, ये कंसिडरेशन है 225 और ये कॉस्ट है। आप लोग घर से बोलो, इंशाल्लाह बात मुझे आएगी। माइनस 200, ए माइनस बी, बता दीजिए गेन आ रहा है लॉस आ रहा है? लॉस जान लो, 5000 का गेन आ रहा है। तो शेयर्स बेचना कितना आसान है, ए माइनस बी करके गेन लॉस निकलाता है। आगे चलिए, अगस्त 19 में कितने शेयर खरीदे? 55,000। कितने के? ये खरीदे में क्यों बोल रहा हूं? इस साइड पे परचेज है और इस साइड पे सेल, दरमियान में लकीर है ना, उधर परचेज है, उधर सेल है। कितने के खरीदे अगस्त 19 में? 55 के। जनवरी 20 में कितने के खरीदे? 150 के। और दिसंबर 21 में जाके, और बोले दिसंबर 21 में जाके कितने बेचे? 1 लाख। कितने के? 180। ये वो कॉन्सेप्ट था जो हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ा था और अभी तक पेंडिंग था हमारा न्यूमेरिकली, कि ये लाख जो शेयर बिके कौन से वाले। तो मैंने कहा था अगर शेयर किसी और तारीख को खरीदें और किसी और तारीख को बेचें, आपको पता है कि अगस्त 19 में खरीदे और जनवरी 20 में खरीदे और बेचे दिसंबर 21 में, इट मींस कि जब मैं बेचने गया तो मेरे पास दोनों पड़े हुए थे। ऐसा ही है ना, कुछ मैंने बकरे अगस्त 19 में खरीदे, कुछ बकरे जनवरी 20 में खरीदे, और इन बकरों में से लाख बकरे दिसंबर 21 में जाके बेचे। इसका मतलब है जब बेचने गया तो दोनों किस्म के पड़े हुए थे ना। जब बेचने गया तो मेरे पास कितने पड़े हुए थे? 1,55,000। उनमें से मैंने कितने बेच दिए? 1 लाख। अगर कोई ऐसी कहानी होती ना, 18 अगस्त 19 को खरीदते और 20 अगस्त 19 को बेच देते, फिर तो शायद मैं कहता कि पहले वालों में से ही आपने बेच दिए सारे, फिर तो कोई क्वांटिटी भी काफी कम होती। लेकिन अभी सवाल बड़ा खूबसूरत है,
19 और 20 में खरीद रहे हैं और 21 में बिक वार है। अब मुझे बता दें अगर शेयर सेम तारीख को ना बेचे जाएं तो मैंने कहा था कौन सा मेथड लगेगा, फाइफो। ये किस चैप्टर में पढ़ा था, कैपिटल गेन के चैप्टर में। आप बता दें ये जो लाख बिके इनमें से 55,000 कौन से वाले बिके, 145 वाले, और इस लाख में से 45,000 कौन से वाले बिके, 150 वाले। नोट कर लो, हाइब्रिड रूम उठ जाए हाइब्रिड क्लास में, इसको नोट कर लें। ओके, लाख बेचे कितने के, 180 के। इस लाख में से 55,000 कितने के बेचे, बेचे तो 180 के, लेकिन कितने के खरीदे थे, और इस लाख में से फिर बाकी 45,000 बिक गए होंगे। तो फाइफ फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कौन सी कंपनी, कितने बेचे, 55,000 पहले वाले, अलग अलग गेन निकलेगा ना दोनों का। ये 55,000 जो बेचे, ये 55,000 बेचे कितने के, 180 के, और ये 55,000 खरीदे कितने के थे, 45,000। ये 45,000 बेचे कितने के, और ये किन में से बेचे, इन वालों में से, तो ये खरीदे कितने के थे, 5-4 अप्लाई किया, करा दें जी टोटल, अलग अलग कराएं। हाँ जी, और आगे 13.50 नहीं, मेरा पचास, सॉरी 13.50। फजूल खर्ची तो नहीं करते, बकरे को हार पहना रहे हैं और बकरे को पता नहीं क्या झुंझुने और पता नहीं क्या क्या उसके चले तो पता चले के, इस तरह के पास रस्सी काफी है, रस्सी भी नहीं, गले से पकड़ के चलाते हैं, सींग से पकड़ के चलाते हैं। क्या कह रहे हैं, आखिरी हमने फ्री छोड़ देते हैं, जहां मर्जी जाए, ये कब से मसला है। अच्छा घर में फ्री छोड़ देते हैं, घर में फ्री छोड़ देते, फिर तो खा जाता होगा दाल चावल चावल सारे, कुछ नहीं खाता। चलो वीडियो भेजनी है तुमने फ्री छोड़ के, ठीक है फ्री छोड़ के वीडियो भेजनी है मुझे उसकी। घर किस इलाके में, कच्चे का इलाका। अच्छा जी, कितने शेयर खरीदे, ओ ओ आई, अम्मी ने बुलाया बेटी को, बेटी ने कहा ओ ओ आई, 1.5 लाख खरीदे, कितने के खरीदे, और 1.5 लाख बेचे, ओ नाई लॉस आ गया, तो 78 के बेचे हैं और खरीदे कितने के हैं, 86 के। नोट बी, नोट बी परचेज वाली साइड पे या सेल वाली साइड पे, परचेज वाली साइड पे। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स, 1.5 लाख सिर्फ 86 तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं, 1.5 लाख सिर्फ 86 तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं, 1.5 लाख सिर्फ 86 कितने पैसे हैं, 12 मिलियन है तकरीबन, 12.9 मिलियन, तो 12.9 मिलियन रुपए इनके पास नहीं होंगे। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर मेकिंग दिस परचेज, एओपी बोरोड 5 मिलियन इन कैश फ्रॉम इमरान हु इज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग मनी। ये किस चैप्टर में हमें लेके जाने की कोशिश कर रहा है, एक्सेलेंट, इनकम फ्रॉम लोन कैश में लेना, इनकम फ्रॉम, तो ये तो बीच में कोई और बात चल पड़ी, खैर इसको भी टैकल कर लेते हैं साथ ही। तो कई दफा बिजनेस के चैप्टर में भी आने वाले दिनों में ना एक सवाल आया करेगा कि बिजनेस मैंने लोन लिया कैश में कोई प्लांट खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, एक बात याद रखिएगा लोन बैंक वगैरह से आप ले सकते हैं कैश में, लेकिन बैंक वो होता है जो स्टेट बैंक ने अप्रूव किया हो। इसका कारोबार लोगों को लोन देना, इट डजंट मीन कि इमरान को स्टेट बैंक ने अप्रूव किया होगा और इमरान बैंक की ब्रांचें पूरे पाकिस्तान में खुली होंगी, इस तरह नहीं है। तो इस लाइन से कंफ्यूज ना होइएगा, ये बैंक है, ये बैंक नहीं है, इसका काम लोगों को क्या है, लोन देना, बट इट डजंट मीन कि ये बैंक है। किससे लोन कैश में ले सकते हैं बताएं, बैंक से, अगर बैंक के अलावा किसी से लोन लें कैश में ये जुर्म है, और ये हमने 10 उसके चैप्टर में पढ़ा था। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, 5 मिलियन इनकम फ्रॉम, पहले से देख लेते हैं फिर इसकी तरफ वापस आते हैं, उस 5 मिलियन को डाल दें अदर सोर्स में। मैं न्यूमेरिकल का फेस खोल रहा हूं, सबा जुनेद अकरम, एओपी, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2022, ये साइड शो कर दो अभी एक दफा, बार बार शो करनी नहीं है। ये लिबास एंड कंपनी लिख दें, वो भी चलेगा, लिबास एंड कंपनी लिख दें। जी
एक इनकी कौन सी इनकम है, एक इनकी कौन सी इनकम है, सेपरेट ब्लॉक, और एक अभी अभी ताजा ताजा कौन सी इनकम आई है, कैश फॉर्म में लोन लिया है, कितना, 5,000 रुपीज इन 1,000 में हम सवाल कर रहे हैं। चले आगे, अब वो जो करना था वो करा दें, सबर करो, उधर ही रखो कैमरा, चलो ले आओ इसका जरा देख रहे, गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है। ओ ओ क्वांटिटी, अच्छा आप लोग वर्किंग थ्री भी खोल सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, वर्किंग थ्री खोले, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैश लोन 5,000, ये भी चलेगा पेपर में, इसमें क्या मसला, कोई मसला नहीं। क्वांटिटी 1.5 लाख, सेल प्राइस, वैसे आप अंदर से लोड पुट हो जाएंगे, ये सवाल कराना था हमें, आदो की 78 माइनस 86, टेस्ट में दोनों सवाल पास पेपर के आए थे, कितने लोगों से आधे आधे हो गए थे, हाथ खड़ा, आधे से ज्यादा वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा जी 78 माइनस सैलरी वाला तो ये लेटेस्ट में आया था, अभी अभी था जो लेटेस्ट -86, 1200 का क्या लॉस माइनस कर सकते हैं सिक्योरिटीज का, जी बिल्कुल, घर जाके सेक्शन 37A का 0.5 पढ़िएगा अकेले में बैठ के, वहां पे आपको पता चलेगा सिक्योरिटीज का लॉस सिक्योरिटीज के गेन में से माइनस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सबाबाजी, इजी लोड छोड़े पर इसको, तो अब तो मैसेज 100 रुपए का हो गया होगा, पहले 20 रुपए था, तो ये तो सभा की जाती इंफॉर्मेशन है, तो इसको इग्नोर कर दें। अब यहां पे जरा फेस फूस को पूरा करते हैं, फिर हम सभा का अमेरिका शुरू करें। इनकम फ्रॉम बिजनेस या कैपिटल गेन, टोटल इनकम 20 लेस, कुछ करना है तो सोच के बताइएगा, ऐसे मूंगी नहीं मारनी, कुछ लेस करना है तो ठीक है, नहीं तो लेस मिटा देता हूं, क्या लेस करना है, सेपरेट रेट है ना इनके, इनको लेस कर दें जी, बोले टैक्सेबल इनकम, चैप्टर 4 में जाएं और इसका टैक्स निकालें। एओपी के न्यूमेरिकल में टैक्सेबल इनकम के डबल अंडरलाइन नहीं लगाते या इंडिविजुअल के न्यूमेरिकल में, इंडिविजुअल के न्यूमेरिकल में, वो एक लाइन फिर ऐड शेयर फ्रॉम एओपी, वो इंडिविजुअल के न्यूमेरिकल है, अभी तो किससे चल रहा है एओपी का, बता दें टैक्स चैप्टर 4 सरकार उसी भी चले जाया करो, हर उस बंदे से कह रहा हूं जो चैप्टर 4 में नहीं जा रहा, चलिए साथ वाले ने अगर सफा खोल लिया तो देख ही लें कम से कम, 1330 जमा 35% ऑफ 7500 3955, तो 1,35,00,000 पर 40,00,000 के करीब गवर्नमेंट को ये टैक्स देंगे, कमाया भी तो 1,35,00,000 है, दे देंगे 40,00,000 गवर्नमेंट को पहले ही मुंह प्यार गिनना है, और कुछ करें या बस ठीक है, हाँ टैक्स ऑन सिक्योरिटीज, आ जाए जी टैक्स ऑन सिक्योरिटीज, टेबल देखेंगे जाके, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 10, चैप्टर 10 में इसी पेज पे एक और बात भी लिखी हुई है, पेज 230 पे 0.5 जो मैंने आपको लिखवाया, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी माइनस ओनली अगेंस्ट गेन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटी, उधर रखो कैमरा, अभी नोट करेंगे, ले आए वापस जी भाईजान, ये जो शेयर्स हैं हमारे सवाल में 30 जून 22 से पहले खरीदे हुए हैं पुराने या 1 जुलाई 22 के बाद खरीदे हैं, जाके देखें अगर आप लोगों ने खोला हुआ था सफा, उंगली रख के आए हुए थे उधर अपनी, ये सारे को डेट ऑफ परचेज देखें कब किया है, 30 जून 22 से पहले किया, तो फिर ये कौन से खरीदे हुए हैं पुराने, तो फिर ये ग्रीन वाला लगेगा, जो मर्जी होल्डिंग पीरियड हो, टैक्स कितने परसेंट लगेगा, 12.5%, ये देख लें 30 जून 22 से पहले के खरीदे हुए, खरीदने की डेट सबकी देख लें 30 जून 22 से पहले की, तक इसकी भी 30 जून 22 से पहले की, तो रेट लगाते 12.5%, गेन बोले जब आप 880 हाँ जी 48
कोई नहीं, उसके कैलकुलेटर में नए नए से सेल डलवाएं, रहने दो, ज्यादा फिक्र नहीं। 4839 यहां आपने साइन कर दें, एओपी का मेडिकल खत्म हो गया, मैं आपका साइन चेक करूंगा। अब आप ये साइन करके कॉलेज से मेरी सैलरी ले सकते हो। अच्छा, अब एओपी के न्यूमेरिकल के बाद सभा का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ करना है तो बता दें, वरना फिर सभा का डाटा पढ़ते हैं। करना है क्या करना है? सभा जुनेद अकरम टोटल या सभा जुनेद अकरम तैमूर? सभा जुनेद अकरम टोटल, याद है कुछ? डिविजिबल इनकम, डिविजिबल इनकम, सभा जुनेद अकरम टोटल। डिविजिबल इनकम में क्या डिवाइड करना है जरा बताएं, किस फिगर को डिवाइड करना है? जिस फिगर पर चैप्टर 4 का रेट लगाते हैं, यह मैंने आपको हिंट दिया, जिस फिगर पर चैप्टर 4 का रेट लगाते हैं वो फिगर कौन सी है? 13,500 को डिवाइड करना है। सभा की सैलरी, ये तो मैंने आपके समझने के लिए लिखी है, पेपर में तो ये नहीं लिखी आनी, ताकि आपको फॉर्मेट जरा याद रहे, तो ये आपके समझने के लिए लिखी है। यार इनके तीनों को टोटल करें, 0। आपके लेटर पकड़ के आपने 13,500 में से ये वाला 0 जरा माइनस करना है, बैलेंसिंग बताने कितना आ रहा है, जबरदस्त 13,500 बैलेंसिंग आ गया। अब आपने यहां पे लिखना है प्रॉफिट शेयर, और अब आपने कैलकुलेटर पकड़े बगैर इसको करना है 1/4, करें इसको 1/4, 13,500 कैलकुलेटर से करें, मैंने कैलकुलेटर पकड़े बगैर, कोई कैलकुलेटर पकड़े बगैर वाला था तो हाथ खड़ा कर दे, आपने किया कैलकुलेटर पकड़े बगैर। चलो ऐसा करो फिर 289 को 4 से डिवाइड करके बताओ, 1/4, 1/4, 2/4, 3/3, इन दोनों की कैलकुलेशन को रहने दें, क्योंकि डाटा आगे सिर्फ किसका दिया हुआ है? स ब क ड ट। तो ईद से पहले लगता है कैपिटल गेन भी थोड़ा हमारा रिवाइज हो रहा है, पिछले दिन इनकम प्रॉपर्टी की भी एक दो एडजस्टमेंट की थी, थोड़ी थोड़ी चीजें ईद से पहले रिवाइज हो रही हैं। आज एक मेरे का सैलरी का होगा, एक बिजनेस का होगा, फिर आपको कहा जाएगा चैप्टर 18 के सारे सवाल करके आ जाएंगे इतने दिनों में, नहीं ये नहीं कहा जाएगा, उसमें हम ऐसा कर लेंगे कि एक एक सवाल डेली का कर लिया करेंगे, शाम को डिस्कस कर लिया करेंगे, जूम मीटिंग, हाँ जूम मीटिंग कर लिया करेंगे, ताकि एंगेज रहें आप ईद के दिनों में। जी मैं अवेलेबल हूँ जूम पे, अपने अपने घर में बैठ के ले आए कैमरा इधर। जी सभा भाजी, आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं इस साल? कहती है कि इस साल मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, मैंने 15 लाख कमाया बाय वर्किंग एज अ फ्री लैंस फोटोग्राफर। किसी ने बकरों की तस्वीर खिंचवाई मेरे से, किसी ने गाय की तस्वीर खिंचाई, किसी ने ऊंट पे बैठ के तस्वीर खिंचवाई, किसी से ज्यादा ने बकरे पे बैठ के तस्वीर खिंचवाई, तो मैंने भी फिर उनसे राज के पैसे लिए 15 लाख रुपए। तो अब मुझे ये बता देंगे जो 15 लाख रुपए सभा भाजी ने लिए हैं, इसको बिजनेस में ना डालें, इसको आप अदर सोर्स में डाल दें, फ्री लांसिंग की इनकम अदर सोर्स में डाल दें, मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम में ना डालें, ये इसकी अदर सोर्स इनकम हो गई। और सभा ने रिसीव किया लाख रुपया एज इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन डेट एज इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन गिवन बाय हर टू जफर, उसने जफर को लोन दिया था। जफर ने कहा सभा भाजी आप बड़ी अमीर हैं, ठीक है मैं आपके महल में रहता हूँ, खुदा के लिए मुझे खुदा के लिए कुछ लोन दे दें। तो सभा भाजी ने इसको लोन दे दिया, तो तेरी बात झूठ रही है यार, अब मुझे क्या पता जफर कौन है, इन्हें को लोन कह रहे इसका नाम जफर है। तो इंटरेस्ट इनकम कमा ली सभा भाजी ने, तो अब ये सभा भाजी की जो इंटरेस्ट इनकम है ये देखना पड़ेगा अदर सोर्स में, नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी या फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी। फाइनल वाले को चपेट मारनी है मैंने। इंटरेस्ट इनकम अर्नड बाय सभा फ्रॉम बैंक, नहीं, फ्रॉम गवर्नमेंट, नहीं, फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम, नहीं, फ्रॉम नॉट फ्रॉम दीज थ्री। आज फर्स्ट टाइम जब से सिलेबस शुरू है इस डायग्राम में इस साइड पे आके हमने डिसीजन लिया पहली दफा, इससे पहले लोन ये इस साइड वाला चक्कर होता था, आज पहली दफा इधर आए हैं। तो इंटरेस्ट इनकम बोलें अर्नड बाय सभा फ्रॉम, नहीं फ्रॉम दीज थ्री, नहीं नॉट फ्रॉम दीज थ्री। तो अब ये भी नहीं देखना 50 लाख से ज्यादा या कम है, सारी बेचारी की इनकम उठाकर दस में डाल दें नॉर्मल टैक्स रिजीम में। तो बता दें जी ये दोनों इनकम्स इसने किससे कमाई? अदर सोर्स के हेड से, बस दोनों इनकम अदर सोर्स की। चैप्टर नंबर 12, 15 लाख जमा 1 लाख, 16 लाख, बस अब सभा का न्यूमेरिकल क्या सॉल्व करना, थोड़ा सा विजुलाइज करें, 16 लाख अदर सोर्स आ गई, यही इसकी टैक्सेबल इनकम होगी, एड शेयर फ्रॉम एओपी, फिर वो ज्यादा वाली इनकम निकल आएगी, और ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स और कम वाली इनकम पे
तो सुबह वाला न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करा, लेकिन आज आपको दिखा देता हूं कम से कम। ये एक वर्किंग सी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वर्किंग समझ आ गई तो हाथ खड़ा कर दें। इंटरेस्ट इनकम लाख और फ्रीलांसिंग इनकम 15 लाख, टोटल कितनी होगी 16 लाख। सुबह का न्यूमेरिकल 16 लाख इसकी अदर सोर्स है, यही इसकी टैक्स एट शेयर फ्रॉम एओपी कितना है, ये वाली फिगर उठानी है, ये नहीं उठानी होती, ये वाली फिगर शेयर फ्रॉम एओपी 3375। और अब ये कौन सी इनकम हो गई, ज्यादा वाली, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, तो कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। समझ आ गया, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, तो कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स, ऐसा ही है। तो ये कैलकुलेशन किसके लिए करनी होती है, एओपी के लिए या एओपी के पार्टनर के लिए, पार्टनर के लिए करनी होती है। अच्छा, होमवर्क में जो सवाल था उसमें एक मजे की बात थी, वो मैं आपको बताऊं, उसमें लिए आपको पेज निकालना पड़ेगा, पेज नंबर 270। मेरे लिए जरा आसान कर दें, साथ वाले का हाथ पकड़ के पूछें, दूसरी क्लास में आओगे ना तुम, मैं सबसे पूछूं, जरा टाइम लग जाएगा। अच्छा, क्या जवाब आया? अच्छा जी, होमवर्क के सवाल में ना जहन था, होमवर्क का सवाल कोई नया नहीं था, वही सवाल जो हमने किया था वो जाके जरा पूरा करना था घर में। तो एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जिन्होंने सवाल किया या नहीं किया उसको खैर है। ये इसकी टैक्सेबल इनकम थी, ये शेयर फ्रॉम एओपी था, ये आ गई थी ज्यादा वाली इनकम, तो ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे। मेरा सवाल आपसे यह है बबलू, इधर देख, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने किस वाले टैक्सेबल इनकम पे 75% लगा के चेक किया था, क्योंकि ये सैलरी भी कमा रहा था जैन, जैन सैलरी भी कमा रहा था, तो किस वाले टैक्सेबल इनकम पे लगा के 75% लगाया था, किसी को याद है? भाई एक बात याद रखिएगा, हम ज्यादा वाली इनकम पर पहले टैक्स निकालते हैं, फिर जाके कम वाली पर निकालते हैं। तो याद रखिएगा, इस फिगर पे आपने 75% लगाया करना पेपर में, ज्यादा वाली पे कम वाली पे, सदा सी बात याद रहेगी। तो ज्यादा वाली इनकम पे आपने 75% लगाया करना है, और सैलरी अल्लाह का शुक्र है मेरे ख्याल से अब आ जाएगी कम, तो सैलरी कम टेबल वन। तो मैंने ये जो मार्कर से चीजें लिखी हैं सारी लिख लें, एक ब्लैक मार्कर से लिखी है, दो रेड से लिखी है। टेबल वन मैंने क्यों लगाया, सैलरी कम है, लेकिन टैक्स कौन सी वाली टैक्सेबल इनकम का 75 लेना है। डीओएनई नहाय अफसोस होगा मुझे अगर आप दूसरी क्लास में ना आए, क्या पता रात को अकेले में बैठ के मैं रोऊं इस बात पे कि फलां 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 आपकी शक्ल जहन में आए और आप रोने का सबब नहीं बने। आप सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं, आप जो आप बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं। कितने बजे क्लास है, क्या ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम्स है वहां होगी, स्लॉट वन 1:50 से लेके 3:20 तक, सेकंड स्लॉट 3:20 से लेके 4:50 तक। द बॉल इज इन योर कोर्ट। पहले कोर्ट वाले कौन है, दूसरे कोर्ट वाले, ये दूसरे वाले भी हों, पहले में तो पता चले रश मचाओ, बंदे भी बंदा चढ़ाओ, समझ ना आ रहा हो। आज पढ़ें घर जाके, लूट मचा दें यूट्यूब पे, क्यों क्यों मैं क्यों यूट्यूब पे आऊं, क्यों